तपस्या कालर पंचत्रिंश दिन आज सुसमाचार होता विश्वास स्थापन करहुदी मान जीशु कहले मो कथार स्थिर रहिले तुम्हें माने सत्यरे मोर शिष्य हेब तुम्हें माने सत्यता जानिब वो सत्यता ही तुम मानू मुक्ति देव जे के ही पाप करे से पापर कृतदास मो पिता मु जहा देखी ताहा मु कहुछी मु मो निज इच्छा रे आसीना आसी से मत प्रेरण करिवारु प्रिय बंधुगण आज सुसमाचार एवं वाक्य माध्यम रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानू निजर शिष्य मानकर दायित्व शिष्य मानकर कर्तव्य एवं शिष्य मानकर गुण एवं शिष्य मानकु करितिबा प्रतिज्ञा विषय रे से कहउछन्ति जिहुदी दलर केते जण विश्वास स्थापन करुथिबा व्यक्ति मानकु बा शिष्य मानकु से कहिले जे मोर वाक्य को श्रवण करिब सत्यता को से जानि पारिब एवं से ही सत्यता से मानकु मुक्ति प्रदान करिब। दिने जने वृद्ध ख्रिस्टियन व्यक्ति जने अविश्वासी शिक्षित व्यक्ति सहित कथोपकथन करने समय रे गालातीय मंडली प्रति लिखित वाक्य दुई अध्याय कोड़े पदर साधु पाउलो जो कथा कहती से कथा विषय रे से माने आलोचना व तर्क वितर्क करने को लगे वाक्य लेखा अच्छी मु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे जीवित अटे एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अच्छा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे मो पाप पाए मृत्युवरण कले पुनर्थित हेले से ही ख्रीष्ट को मु विश्वास करुथिबारु ख्रीष्ट मो हृदय रे मो जीवन रे बास करंती एवं मु तांक ठारे बास करे। एहा सुनी अनविश्वासी बा अनख्रीष्टीय व्यक्ति ख्रीष्टियन व्यक्ति को कहिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम ठारे रही पारंती किंतु तुम्हें क्यों भली प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे अवस्थान करूछ बा जीवित अच्छ ता मु बुझी पारुना यहाँ व्याख्या करने को जाए ख्रीष्टियन वृद्ध व्यक्ति गोटे लुहा छड़ ने हाथ में एवं ज्वलत अग्नि किसी समय रखिले कि समय पर लुहा छड़ लुहा खाड़ी उत्तप्त हो गला एवं लाल रंग में परिणत हो गला। लुहा छड़ को बा खाड़ी को बाहर करी ख्रिश्चियन व्यक्ति से ही अनविश्वासी को कहले देखो यही लुहा खाड़ी अवस्था एठारे तुम्हें अग्नि देखि पारुछ यह गोटे लुहा छड़ एवं लुहा खाड़ी तथापि एथरे आमे अग्नि देखि पारुछ। ठीक से ही भली प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करी जीवित हो मु विश्वास करुथिबारु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो अंतर रे बास करंती मो जीवन रे बास करंती एवं मु तांक ठारे बास करे। मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने आजिर सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर जिहुदी विश्वासी माननकु बा जेउ माने केते जण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु अनुसरण करुथिले से माननकु कहुछंती जे मो कथा को विश्वास करे जे मोर वाक्य को श्रवण करे से सत्यता जापर से ही सत्यता ही से मानू मुक्ति करश्वर जीवंत वाक्य होउछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उपस्थितिर चिन्ह प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवंत वाक्य होउछि सुस्थतार वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवंत वाक्य होउछि पिता परमेश्वरंकर से ही वाक्य जो पिता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु कहिथिले एहा मोर प्रिय पुत्र जहांक ठारे मु चिर संतुष्ट ताहांक वाक्य को श्रवण कर एवं एही व्यक्ति मानंकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहुछंती जे मते शुणे मो पितांकु श्रवण करे जे मो इच्छा को पालन करे मो पितांकर इच्छा को से पालन करे कारण मु मो इच्छा रे आसी नाही किंतु पिता परमेश्वरंक इच्छा रे मु प्रेरित होइछि। अतएव जो शिष्य माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य को श्रवण करती से मानी प्रभु जीशु ख्रीष्ट किसी प्रतिज्ञा करूँ प्रथम प्रतिज्ञा होउछि जे मोर वाक्य को श्रवण करिवो से मो पितांकु चिन्ही पारिवो
जे मोर वाक्य को रखिब से मोर पितांक वाक्य को रक्षा करिब, जे मोर वाक्य रे जीवन जापन करिब से केबे हेले अंधकार रे रहिब नाही, से मुक्ति लाभ करिब। एहा हेउछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम प्रतिज्ञा। द्वितीय प्रतिज्ञा हेउछि जे मो थारे अवस्थान करे मु तांको थारे अवस्थान करिबि। वाक्य देहवंत हेले एवं सही देहवंत ईश्वर हेउछन्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट। जदि आमे प्रत्येक दिन दिव्य यज्ञ रे अंश ग्रहण करूछु, ईश्वरंकर वाक्य श्रवण करूछु एवं ईश्वरंकर वाक्य र प्रतिश्रुति अनुसार आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त ओ मांस ग्रहण करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवंत शरीर को आम हृदय रे आम जीवन रे ग्रहण करूछु। एहा हेउछि द्वितीय प्रतिज्ञा। तृतीय प्रतिज्ञा हेउछि जे ख्रीष्ट को विश्वास करे, जे तांको पुनरुत्थान को विश्वास करे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं तांको ठारे आविर्भाव हेबे। एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले विश्वासी को हृदय मन प्राण एवं जीवन रे अवस्थान करंती, विश्वासी जनक पुनराय नूतन जीवन प्राप्त करिब। तेणु मोर प्रिय भाई और भौणी माने, आमे माने तपस्या कालर पंचत्रिंश दिन रे पहुँची अछु। जेते दिन पुनर्थान पर्व पाखे आसुची, आम मानक हृदय रे आमे आनंद अनुभव करूछु, ईश्वरंकर पुत्र जीशु ख्रीष्टंक सहित जड़ित हेउछु। एवं जेतेबेले आमे ख्रीष्टंक सहित जड़ित हेउ, ईश्वरंकर शांति पाप क्षमा अनंत जीवनर प्रतिश्रुति प्राप्त करूछु। तेणु जिहुदी शिष्य मानक भली आमे माने आचरण करिबा नाही, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवंत वाक्य रे आमे माने जीवित होइ रहिबा पाए चेष्टा करिबा, जहाद्वारा आमे माने सत्यता को जानि पारिबा एवं सही सत्यता आम मानंकु उद्धार करिब। मने रख हे मनुष्य, तुमे माटी रे जात, माटी रे लीन हेबो, पश्चाताप कर एवं सुसमाचार रे विश्वास कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानंकु आशीर्वाद करंतु। आमेन।